सो भाई आज मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया और भाई वो मुझे कहता है कि यार मेरा रैंक पुश करवाना है। तो मैंने उसको कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, तेरा रैंक जो है मैं माइनस करवाऊंगा। तो मैं उसके साथ भाई खेलना स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं भाई आज हम उसका रैंक माइनस करवा पाएंगे कि नहीं। तो पहला बंदा तो मैंने डाउन कर दिया था इजी बीजी, और यहाँ पे एक और बंदा आया जो कि मेरा किल चोरी हो गया। और इस गेम में काफ़ी मज़ा आने वाला है आप सभी को। सो जो जो चैनल पर नहीं हो लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लो, 1K सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं, आपको भी पता ही है यार। सिर्फ अपने 100-150 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, वो भी कंप्लीट करवा दो जल्दी से यार, तो हम अपना जो है बर्थडे तक यार कंप्लीट वगैरह सारा कुछ कर लें। कि यार बर्थडे अपना आने वाला है अप्रैल में, और मैं चाहता हूँ यार तब तक हो जाए अपना कंप्लीट है सब्सक्राइबर्स वगैरह, जिससे भाई पूरा मज़ा आए यार। तो केक वगैरह भी काटेंगे 1K का, सो मज़ा मज़ा पूरा आएगा भाई तब तो। और ये वाला बंदा तो भाई हेडशॉट से मारा आपके सामने, कितना ख़तरनाक इसको हेडशॉट मारा। और 1v3 ये गेम में मेरा हो जाएगा देखना, और मुझे नहीं लगता मैं 1v3 कर पाऊँगा क्योंकि अपने पास है भी क्लोज की गन। दोनों क्लोज की ले ली मैंने, यहाँ पे गलती कर दी जो कि आगे जाके मैं भुगतूंगा। अभी देखना भाई आपको मज़ा आने वाला है। और मेरे दोस्त को भाई था कि यार मेरा रैंक जो है गोल्ड पे पहुँच जाए भाई वो, तो भाई उसको भाई मैं गोल्ड पे आज पहुँचा के रहूँगा भाई। वो तो अभी यार हीरोइक पे भाई बैठा हुआ, तो भाई आज हम उसको गोल्ड पे पहुँचाएंगे। सो काफ़ी मज़ा आएगा भाई आज की वीडियो में तो। और ये देखो तीनों बंदे मेरे ऊपर पड़ जाते हैं, एक गोली मेरी हेड पे नहीं कनेक्ट हो पाती। और यहाँ पे मैंने गलती की, मुझे यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए था बाहर वाली साइड, और इन तीनों बंदों ने भाई सीधा रश कर दिया मेरे ऊपर। पर चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको मारेंगे यार, बदला लिया जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। बाकी ये वाले राउंड में बदला ले लेंगे, और गेम ने एंड में तो भाई हमने हारनी हारनी है, क्योंकि अपने भाई का जो है हमने रैंक माइनस कराना। उसने मुझे कहा है कि रैंक मेरा भाई आप माइनस करवा दो। और यहाँ पे एक बंदा तो आया, ये तो मैं बदले के लिए राउंड खेल रहा था, इसलिए भाई देखना मैं वो मार ही देता हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं ये बंदा, वो जो है वंश यादव, वो बंदा भाई रश कर देता बंदों पर जिनको मैं लो करता हूँ ग्रेनेड मार के। पर चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा ही होता है अपने साथ। और यहाँ पे एक बंदा तो मुझे दिखा यार, सीधा रश किया उस पर, इसको भी नॉक फिनिश फुल। तो यहाँ पे हमने 2 राउंड तो निकाल लिए थे यार, हम ये आराम से गेम जी निकाल सकते इजीली, क्योंकि अपने बंदे वगैरह भी वैसे ही आ रखते हैं। ये देखो ये देखना, कुछ भी नहीं करेंगे अपने बंदे, देखो लास्ट बंदा रह गया और अपने 1v3 है सिर्फ। और मुझे लग रहा था ये राउंड हमारा निकल जाएगा, बट पता नहीं क्या हगते हैं। ये देखो दोनों भाई अंदर आ जाते हैं बॉट, इन दोनों को चाहिए था एक बंदा चाहे बाहर आता इसको पैक कर देते बंदे को, जिससे अपना ये राउंड निकल जाता। बट ये बंदे भी वैसे ही खेल रहे थे यार, अपना सिर्फ एक ही दोस्त था जो इसमें खेल रहा था। और बाकी आप देखना इस राउंड में क्या होगा, क्या हगूंगा भाई मैं। और यहाँ पे मेरे जो टीममेट्स हैं वो अलग नेक्स्ट लेवल लगते हैं, तो उसके कारण दिक्कत अलग हो जाती है। यहाँ पे मैं सोचता हूँ पहले कि ऊपर आएंगे बंदे, ऊपर आएंगे फिर ऊपर कोई नहीं आता यार, मैं यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती है बंदे। हम गेम तो ये जीत जाएंगे, राउंड आराम से निकल जाएंगे अपना, बट दिक्कत होगी कि यार मेरी पेटी बन के निकलेगा और मेरी MP40 निकल जाती है यार। मैं अपने दोस्त को यहाँ पे बचाने जाता हूँ, और यहाँ पे देखना मैं पिट जाऊँगा। ये लो इसको कितना ज़्यादा डैमेज दिया बंदे को, बट यहाँ पे तुम्हारा भाई पिट गया। ये लो ये बंदे देख रहे हो भाई, मुझे भाई रिवाइव नहीं करने की कोई कोशिश। देखो सारे अलग अलग ही हैं, और यहाँ पे ये बंदा गेम जिता देता है यार, वंश यादव। सो काफ़ी बढ़िया खेल रहा था ये बंदा, बाकी अपना दोस्त जो था भाई बोटो की तरह खेल रहा था। और मैंने यहाँ पे इस गेम में थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज की, जिसके कारण मेरा एक हेड तो कनेक्ट हो गया, बट किल मुझे कंफर्म हुआ ही नहीं मेरा किल, क्योंकि बंदे ने भाई सामने वो देखो वॉल लगा के उसको रिवाइव भी कर दिया और मुझे किल भी नहीं मिला। सो काफ़ी दुख हुआ भाई इस गेम में तो मुझे, इस राउंड में कि यार मुझे किल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। और ये लास्ट राउंड था अपना, ये हम इजी बिजी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे यार मैं बार बार पता नहीं क्यों चौड़ा हो के भाई दूर की गन ले रहा था। और ये देखो बंदे जो रश कर रहे थे ना, इतना कैंप करके रश कर रहे थे, उसके कारण समझ नहीं आ रहा थी भाई गोली कहाँ से मारूँ किधर से। बंदे भी अलग अलग जगह से आ रहे थे, कभी कहीं से कभी कहीं से, तो किल्स वगैरह भी ऐसे हो ही नहीं पा रहे थे अपने। और ये देखो ये बंदा तो बिल्कुल हग ही रहा था, एडियर मान, वो देखो सामने बंदा है और ये हग देगा भाई, पूरा गंदा ही हगेगा। और अगले राउंड में भाई हम पूरा हार गए मैच, तो अगली गेम हमने लगाई, और इसमें देखना भाई इस बंदे को डैमेज दिया, हेड दे दिया, हेड मारा था बंदे को, बट इसका भाई किल चोरी हो गया मेरा। तो भाई मैंने सोचा क्यों क्यों ना भाई सीधा रश कर देते बंदों पे, क्योंकि यार नॉक तो कर दिया था, लो ही थे बंदे। तो यहाँ पे जो गलती हुई ना अपने से, ये देखना वो देख उस नीचे जो बंदे हैं ये भी ऊपर रश करने की कोशिश करेंगे, ये भी सारे मर जाएंगे। और मैं यहाँ पे जो है, मेरे साथ तो नेक्स्ट लेवल सीन हो गया यार, मेरी तो बात ही ना करो, मैं तो पता नहीं क्या करता रहता हूँ। ये देखो एक बंदा मरा, दूसरा बंदा गया, वो भी मरेगा, डैम वो देखो कितना लो कर दिया भाई उन्होंने बंदों को।
और यहाँ पे इसको डैमेज तो किया बंदे को, बट भाई ये मरा ही नहीं है बंदा। और इसने भाई सीधा रश किया मेरे पे ऊपर, और ऊपर से थी भी इस पे हैम्पटन, मुझे पता ही नहीं था। उसके कारण गेम यहाँ पे अपनी ख़त्म होगी, 4-3 से हम हार गए बहुत गंदा। सो जिसको भाई वीडियो मज़ा आया चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यार मेरे भाई को जो था गेम हारनी थी, तो भाई तुम्हारे भाई ने जो है पूरा योगदान दिया उसमें उसको हराने का, जिससे भाई उसका माइनस लग सके जल्दी से जल्दी, और वो भाई मेरा जो है गोल्ड पे पहुंच सके। सो इस वीडियो के रहते यार लाइक सब्सक्राइब बनता ही, आप भी लोग जानते ही हो, तो सारे जने लाइक सब्सक्राइब कर देना। तब तक सारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस।